राष्ट्रीय बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411-08-421-4 और 9953-73-77-99। ये गणेश सेवा समिति यमुना पार से मूर्ति रखी गई थी, 8.5 फुट की मूर्ति थी और आज उसका विसर्जन करने के लिए आए हैं। 10 दिन से उसकी पूजा अर्चना की थी। सुविधाएं, अगर सुविधा की बात करें विसर्जन को लेकर? नहीं, सुविधाएं तो ठीक ही है, मतलब जो सुविधाएं नहीं होनी चाहिए। अब इतनी भारी मूर्ति है, उसको वहां से कंधों पर लेकर के आ रहे हैं और जगह भी उबड़ खाबड़ है, उसको साफ सुथरा करना चाहिए था। ताकि व्यवस्थाएं इतनी अच्छी नहीं है। आस्था की बात है, क्या महत्व है विसर्जन का? विसर्जन का महत्व ये है कि ये गणेश महोत्सव जो है अंग्रेजों के टाइम में प्रारंभ किया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। उस समय क्या था कि सभाएं करने पर रोक लगा दी थी अंग्रेजों ने, तो उन्होंने ये गणेश जी के माध्यम से एक जगह इकट्ठे होते थे सभी लोग और आगे के देश को आजाद करने की रणनीति बनाया करते थे, तो वो उन्होंने प्रारंभ की थी और 10 दिन रख करके फिर उसका विसर्जन करते हैं। 10 दिन रखते हो, पूजा अर्चना करते हो? जी हाँ। फिर विसर्जन करते हो, ऐसा लगता है क्या? बहुत दुख होता है। हाँ, मनोकामनाएं तो पूर्ण करते हैं लेकिन बड़ा दुख भी होता है। 10 दिन सेवा करते हैं और जिस समय हम लेके आते हैं आंखों से आंसू निकलते हैं। क्या मनोकामना क्या कर रहे हो आप? अब मनोकामना ये है कि शांति सौहार्द रहे, सभी लोग प्रसन्न रहे, खुश रहे। पहले की अपेक्षा भीड़ कम है? भीड़ कम है, पहले की अपेक्षा भीड़ कम है। जबकि पहले तो कारण ये है कि एक तो प्रशासन इस समय, अब हमने परमिशन के लिए आवेदन किया था, हमारे पिछले 5 बार से परमिशन लेकर कर रहे थे लेकिन हमने परमिशन के लिए आवेदन किया था, अभी तक परमिशन नहीं मिली है। और उसके बावजूद भी विसर्जन है आज। विसर्जन करने गणपति जी का आपने कहा, कैसा लग रहा है? बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा खूबसूरत दिन चल रहा है आज। विसर्जन कर रहे हो, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, दुख तो हो रहा है लेकिन जा रहे हैं, खुशी भी बहुत है लेकिन हर साल फिर बता रहे हैं हमारे घर पे। गणपति विसर्जन करने आए हैं, 11 दिन हमने खूब लड्डू से खूब आने केला बर्फी सबका भोग लगाया, बच्चों ने प्रोग्राम किए, सब कुछ किया, डांस किया, बप्पा जी की दिन रात आरती, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया बप्पा जी के प्रोग्राम में। और सभी बच्चों की प्रार्थना है कि हर साल बापा हमारे साथ ऐसे ही रहे और हर साल हमारी मनोकामना को सारी को पूरी करती रहे।